आपको बता दें कि शिवलिंग पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी का मामला गर्मा गया और इसे लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों की ओर से प्रदर्शन की तैयारी है। SFI और आयसा हिंदू कॉलेज के छात्र संगठन गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठनों के प्रदर्शन की बात करें तो छात्र संगठनों का प्रदर्शन अब से कुछ ही देर में शुरू होगा और इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग के दावे को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर IPC की धारा 153A 295A के तहत गिरफ्तार किया गया। कई छात्र संगठन इस गिरफ्तारी को नाजायज बता रहे हैं। झूठा मुकदमा अपने आप में बनाना दो तरह से अपराध है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपराध है और ये दूसरा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब SC ST जो एक्ट है उसका भी एक अपराध है, धारा 3 का अपराध। ये इन पुलिस अधिकारियों ने और इनके राजनीतिक आकाओं ने किया है। इसके अलावा ये देश में जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनकी आवाज दबाने का और मनुवाद को और मनुस्मृति लागू करने के लिए जो लोग साजिश कर रहे हैं उस बड़ी साजिश का भी ये अरेस्ट जो है हिस्सा है। और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला है प्रोफेसर रतनलाल, जिस पर कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये वही प्रोफेसर है जो सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के चलते गिरफ्तार हुआ है। और शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी की गई थी जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने से मिलने का दावा किया गया है, जहां पर शिवलिंग के स्थापित होने की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। और DU के इस प्रोफेसर ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया और इस पर मामला दर्ज कर इसकी गिरफ्तारी की गई। और अब इसके समर्थन में लेफ्ट छात्र संगठन उतर आए हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और अब इस प्रदर्शन को लेकर छात्र संगठन तो विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इस प्रदर्शन के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए। दिल्ली पुलिस की भारी संख्या में जवान यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्षेत्र है वो शांतिप्रिय तरीके से सारे काम कर सके वहां पर। और आज इस प्रदर्शन की तैयारी है, अब से कुछ ही देर में यहां पर प्रदर्शन शुरू होगा। हालांकि अभी तक छात्र संगठनों के छात्र पहुंचे नहीं हैं और आधा दिन लगभग निकल चुका है। छात्र संगठनों का प्रदर्शन आखिर कितनी देर में शुरू होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। और DU के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने इसी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि रतन लाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए और अगर बेल मिलती है तो वो इसका विरोध करेंगे। DU के प्रोफेसर रतनलाल को दिल्ली पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार कर लिया। हालांकि DU के प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं विनीत जिंदल, उन्होंने याचिका दायर की थी जिसके बाद FIR दर्ज हुई और रतनलाल को गिरफ्तार किया गया। विनीत जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने जो याचिका दायर की थी क्या क्या चीजें, क्या तथ्य उसमें रखे थे, क्या चीजें देखते हुए आपने की? देखेंगे, जो ट्वीट था, जो उनका पोस्ट था, उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा गया शिवलिंग को लेकर ये कहा गया कि बेसिकली उसको मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ने की कोशिश की गई। तो इस तरीके की बात करना कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करने को लेकर था, हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने को लेकर था, जिसके अंदर अप्रोप्रिएट धाराओं के अंदर दिल्ली पुलिस ने FIR लॉन्च किया और कल उनको रात को अरेस्ट किया गया। इस चीज के लिए मैं दिल्ली पुलिस का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी, क्योंकि आपकी जो आपकी इनिशिएटिव के बाद FIR दर्ज हुई और अब अरेस्टिंग भी हो गई, आगे क्या लगता है कि किस तरीके की कार्रवाई होगी और आपकी तरफ से क्या आगे अगला कदम होने वाला है? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो फिलहाल अगर हम लीगल पॉइंट की बात करें तो हमारा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बनता, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां खड़े हैं। इस आदमी को जिस तरह से इन्होंने बोला है इसको हम बख्शने वाले नहीं हैं। क्या बेल मिल सकती है? बेल मुझे नहीं लगता है मिलेगी, अगर मिलेगी तो विल अपील अगेंस्ट है। तो मैक्सिमम सजा इसमें कितनी हो सकती है? अभी तो सजा की बात नहीं है, सजा तो ट्रायल के बाद डिसाइड होगा, लेकिन बिल्कुल अभी बेल नहीं मिलनी चाहिए और मुझे लगता है कि बेल नहीं ग्रांट होगा। अगर बेल मिलती है तो आप अपोज करेंगे? बिल्कुल अपोज करेंगे हम इसके खिलाफ अपील, अगर बेल मिलती है तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ अपील भी फाइल करेंगे। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे विनीत जिंदल जो बता रहे थे कि रतनलाल को बेल नहीं मिलेगी और अगर मिलती है
तो विनीत जिंदल की तरफ से आगे की जो लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ रजनीश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।